हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली क्या है, जिनके बारे में आप राइट नाउ सोच रहे हो, जो पर्सन आपके मन में हैं, आपके दिलो दिमाग में हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स राइट नाउ क्या है आपके लिए, या वो पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या होती है आपके लिए, क्या है राइट नाउ। तो चलिए चेक करते हैं। ऑल साइंस है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली क्या है, उनसे कनेक्ट होने की आप कोशिश करें किसी भी थ्रू। आप उनका नाम ले सकते हो, उनको दिल और दिमाग से पूरे मन से याद करके रीडिंग देख सकते हो, उनको विजुअलाइज आप कर सकते हो, और साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा कि वो आपको रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करे। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली, क्या सोच रहे हैं वो राइट नाउ आपके बारे में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और सॉरी टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एरिस लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, या तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इनका या आपका साइन हो सकता है। कुछ लोग ले आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में या अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हो, आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, वक्त नहीं निकाल पा रहे हो इनके लिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये इस पर देखिए, मुझे नहीं पता कि आप इनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, बट आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हो, इनके लिए कोई वक्त ही नहीं है, या तो आप इनको इस रिश्ते को बर्डन की तरह ले रहे हो, या तो ऐसा फील आपने कराया है। ओके, आपके पर्सन मुझे आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं अच्छा खासा। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी बिजी थे, अपने शेड्यूल में, अपने वर्क में वर्कलोड हो रखा था, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, और इस बीच आपने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया, बातचीत करने की कोशिश नहीं किया, या कुछ आपकी तरफ से हुआ है जिससे आपके पार्टनर मुझे आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इन पर डाउट कर रहे हो, शक कर रहे हो, या नाराज़ हो रहे हो कि ये पर्सन कहाँ बिजी हैं, आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और ये पर्सन का ध्यान इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर है, वर्कलोड पर है, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो आप डाउट कर रहे हो, या तो किया है आपने ऐसा, हो सकता है तो आपके पार्टनर को आप पर गुस्सा, आपके पर्सन मुझे आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, वर्कलोड हो रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, नहीं निकाल पा रही हूँ, मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और ये मुझ पर डाउट कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी थोड़ा सा देख पा रही हूँ। या तो आपने कुछ डिमांड किया है, क्लैरिटी मंगा है आपने, या तो प्रूफ मंगा है आपने, कुछ किया है, कहा है, तो आपके पर्सन मुझे नाराज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, ये पर्सन कहाँ हैं, क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं, या क्यों आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी देंगे ये आज शाम तक, कुछ घंटों के अंदर आपको बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है गाइस। जो भी आप इनसे चाहते हो, मुझे आप किसी चीज़ का डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्लैरिटी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ही मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हो, दोनों की ही सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या है इनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में। देखिए, अगर आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप बिजी हो, जो भी आपका सिचुएशन है, आपके पर्सन मुझे आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको टाइम दो, अगर आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो तो, ठीक है। या आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप पर वर्कलोड हो रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो यार, इनको इग्नोर ना करो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ये डाउट हो रखा है आपकी लाइफ में कोई और आ गए हैं, या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ के हो लव रिलेशनशिप में, ठीक है, या आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हो, हैप्पी हो, और इनको भूल चुके हो, इनको भूलकर आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपके लाइफ में कोई और आ गए हैं, ठीक है, तो आपके पर्सन नाराज़ हैं, ये रीज़न भी हो सकती है आपसे नाराज़गी की, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि आपका फोकस हीलिंग पर है, पॉजिटिविटी पर है, आप खुद को हील कर रहे हो, अपने लाइफ को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हो, हीलिंग पर आपका फोकस है, पॉजिटिविटी पर आपका फोकस है, बैलेंस बनाने पर आपका फोकस है, ठीक है, राइट थिंग्स पर आपका फोकस है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो मुझे आप दोनों के बीच
गलतफहमी दिखाई दे रहा है जो कि क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आज शाम तक मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, जो भी आप दोनों के बीच गलतफहमी है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच आगे होने का 10 to 12 आवर्स के अंदर, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच होने का, क्या हो सकता है। 3 of Swords मुझे दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है कि आपको ये न्यूज़ मिल सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हो रही है, रिश्ते की बात चल रही है, या रिश्ता पक्का हो गया है, या ये पर्सन कहीं देख रहे हैं, ठीक है, या आपका मैरिज नहीं हो सकता है इनके साथ, मैरिज को लेकर कुछ हो रहा है आप दोनों के लाइफ में, आप चाहते हो तो ये ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन विश्वासघात आपके साथ कर सकते हैं, अगर ये आपको बर्डन की तरह ले रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इनका बिहेवियर राइट नाउ आपके लिए राइट नहीं है, सही नहीं है, सही से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जबकि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, इनको आप प्यार देना चाहते हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, पर इस पर्सन की साइड से वो नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपको इस रिश्ते को बर्डन की तरह आपको फील कराए इन्होंने कि बर्डन बन गए हो आप या ये जो रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, आपका दिल मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि किसी एक का मुझे हार्ट ब्रेक आपको मिल सकता है, ये रीडिंग में आया है, ठीक है, आप दोनों का फाइट हो सकता है मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, किसी बात पर मुझे आप दोनों के बीच बहस होते हुए फाइट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इससे बचकर, ठीक है, एक दूसरे से ऐसे बातें शेयर कर सकते हो जैसे एक दूसरे का हार्ट ब्रेक हो, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, इनका बिहेवियर एक्शंस आपको हर्ट कर सकता है, या तो आपका बिहेवियर एक्शंस इनको हर्ट कर सकता है, अगर आपका बिहेवियर राइट नहीं है और ये पर्सन इनकी इनका फोकस हीलिंग पर है, आपके रिश्ते की हीलिंग पर है, कोई एक पर्सन मुझे राइट एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो अगर राइट एनर्जी आपका नहीं है, आप गुस्से में हो, नाराज हो, बेवजह डाउट कर रहे हो, तो ये सही नहीं है, ठीक है, सही से पेश आइए इनसे, क्योंकि ये आपके रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है, आपका गलत बिहेवियर एक्शंस, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच होने का, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यूनिवर्स मुझे क्लियर कीजिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इन दोनों के बीच होने का। कई सारे लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आज शाम को आपके पार्टनर आपसे मिलने को आएंगे, ठीक है, या आप इनसे मिलने को जाओगे, या बातें होगी आप दोनों के बीच काफ़ी हेल्दी गुड वे में, कुछ लोगों के लिए तो आपका रिश्ता हील होगा, ठीक है, जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही थी फाइनली आप दोनों शॉर्ट आउट करते मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके, और कुछ लोग ले आप दोनों एक दूसरे को देखोगे कि उनके एक्शंस रिएक्शंस क्या है, वो कब बातचीत करेंगे, वो कब इनिशिएटिव लेंगे, वो कब रिश्ते को हील करने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन कब आएगी, कब वो शुरुआत करेंगे, तो आप दोनों मुझे एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे का राह देखते हुए, मैसेज कॉल टेक्स्ट का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, सामने वाले पर्सन मुझे थोड़े से जजमेंट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और इधर आप ही कुछ नहीं कर रहे, उधर आप वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर ध्यान है आप दोनों का, स्टॉप कर रहे हो आप दोनों, ठीक है, पर बातचीत कर रहे हो ऐसा कुछ मैं नहीं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, ठीक है, स्टॉकिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, दोनों स्टॉक कर रहे हो एक दूसरे को, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच होने का, क्या हो सकता है, ओके, आपको फैसला मिल सकता है, आपके पार्टनर आपको अपना फैसला डिसीजन सुना सकते हैं, ठीक है, फैमिली से बातचीत करने वाले थे, या फैमिली का आपके रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है, क्या वो चाहते हैं फैमिली, उनका क्या फैसला है, उनका क्या डिसीजन है, आपका आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ये पर्सन आप क्या चाहते हैं, आपको अपना फैसला डिसीजन सुना सकते हैं, और इनका फैसला डिसीजन आपको हर्ट कर सकता है, आपको टेंशन दे सकती है, ठीक है, आप दोनों के बीच फाइट हो सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है, बातचीत हो रही है तो गुड हेल्दी वे में कीजिए, ये ज़्यादा सही है, और अगर ये पर्सन का एनर्जी राइट नाउ सही नहीं है तो इनसे थोड़ा बचकर क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी हो
क्लियर कीजिएगा, मन की बातें, दिल की बातें, जो दिमाग में है, जो मन में है, सामने रखिएगा, ठीक है। क्लैरिटी मांगिएगा, क्लैरिटी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन होना जरूरी है आप दोनों के बीच जो भी हो, ठीक है, ताकि आप आके डाउटफुल एनर्जी में ना रहो इस फाइट को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, जो होने वाला है उसको लेकर या जो हो रहा है उसको लेकर। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आई है, ये आपकी रीडिंग में आया है गाइस, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अपना खुद का प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।